अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है तेलंगाना टाइम्स टुडे न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज के अहम खबरें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डायरेक्टर हाईटेक इंटरनेशनल कंपनी जुबेल सऊदी अरेबिया ने नाम से बात मुद्दा के लिए कल साहब क्या नाम है जावेद? रैप जो सॉन्ग होता है हैदराबाद के ऊपर लिखा है। इसके लिए हमारे बीच से हैदराबाद के मिस्टर शाम शुरू होने वाली है कल से, और लास्ट ईयर भी हमने देखा कि काफ़ी लोग रोडों पे सोते हुए और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो कई लोगों ने उनकी हेल्प की। उसी तरह आप आबिद भाई किस्सा हाउस मजीद भाई को मिस कर रहे हैं हम लोग। मजीद भाई नहीं आए, खैर बहरहाल आप सबकी शुक्रगुजार हूं भाई। फिरोज भाई जी, ये मेरे इफ्तार शरीफ साहब की जैसे मुबारक से संतोष हो। हेलो केयर भाई, भाई भाई थोड़ा हाथ नहीं आप तो कर भाई सामने देखिए। खाते बजे घर का वार देते थे, कल एक बार खाना नहीं खाया, वो बात अलग है जेब में 15 रुपए। और जब भी जरूरत पड़ती अगर मैं जिंदा बात अरे मियां हरियाणा नहीं तुम्हारा तो मैं हैदराबाद की एक जने पूछे मेरे को भाई आप क्या जॉब करते हो, तो मैं बोला भाई हंसाता हूँ बोला अरे इनको सुनने के लिए मेरे साथ कर्मवारी भाई भी आई है। अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा उनको नहीं बुलाने का रीजन मालूम आपको? स्पीकर आप बढ़ जाते बोल के नहीं बुला रहे। डालो भाई थोड़ा नीचे लतीफ भाई, हाथ थोड़ा नीचे। अरे भाई आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट ई सी आई डी फाउंडेशन सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया चैनल्स का, मेरे भाइयों का, जो माशाल्लाह इतनी रात गए हमारा सपोर्टिव के लिए ठहरे हुए स्टैंड होकर, जो हमारी आवाज़ सारे ऑफिशियल तक और सारी आवाम तक पहुंचाते हैं। और सारा क्रेडिट शो का इन्हीं को जाता है, क्योंकि हम अगर ये चार दीवारी में शो करते हैं तो मार्केट में फैलाने वाले सारे मीडिया हैं। थैंक्स। और ख़ास करके जो आज शो रखा गया था इसकी वजह ये थी, मैं बता दूं कि
ऐसे तो सहारा की तरफ से काफ़ी लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, बड़े बड़े शोज हुए था, ये लोग को दिल बहलाने का तो एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन ख़ास मकसद ये था डोनेशन कलेक्ट करें और आवाम तक पहुँचाएँ। और इनका इतना सपोर्ट था यहाँ पर कि सारे लोग को जितने भी होमलेस शेल्टर है सारे एक जगह करके, इनकी इतनी मेहनत है, सारा पैसा इनका खुद का लगाते हुए इतना शो करके आगे बढ़ रहे हैं, और तहे दिल से स्पॉन्सर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सब लोग एक एक कदम आगे बढ़ाकर मैडम को यहाँ तक लाए हैं, और मैं चाहता हूँ मैडम की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। सारे मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये ग्रैंड सक्सेस हुआ है शो, और इसके पहले क्रेडिट जाता है मीडिया को जो हमारी आवाज़ आप तक आ रही है, और दूसरी परा मैडम को जाता है, क्योंकि इनकी आवाज़ माशाल्लाह, हम ये हैं मेलेडी क्वीन बोलकर, लेकिन ये वाकई में ऐसी हमदर्द इंसान है जो गरीबों के बारे में सोचते हुए ये प्रोग्राम रखा था, और सारे लोग के लिए ब्लैंकेट ही बोलकर नहीं, काफ़ी ऐसे ऐसे चीज़ें पहुँचा रही हैं कि जो बंद मुट्ठी हो रही है, लेकिन ये तो खाली दिखाना इसीलिए है, ये कोई कारोबार नहीं है, लोगों के लिए जस्ट ये काम कर रहे हैं कि लोगों को एहसास होनी चाहिए कि और भी इनसे जुड़े और इसी तरह काम करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। उसकी भी बहुत हिम्मत अफजाई मिली मुझे, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बाकी जो जो लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है, मोहम्मद, और ख़ास तौर से 30 ब्लैंकेट्स वसीम और इमरान आजमपुरा से, मोहम्मद, ये तीन लोगों ने 30 ब्लैंकेट्स का इंतज़ाम किया, बट यहाँ के इतनी हलचल में मैंने अभी ब्लैंकेट्स नहीं मंगाए। वो अगर मैं और कुछ चीज़ भूल रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं बहुत टेंशन में थी ये शो को लेके। और यहाँ पे अयूब भाई भी आए थे, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, ईसा भाई की भी हूँ, कि उन्होंने आके ये बताया कि हम सब आपके साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक है, और ये जस्तजू में, ये सफ़र में बहुत सों का साथ मुझे जो मिल रहा है, मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। और आखिरी बार फिर से बोल रही हूँ कि सहारा वर्ल्ड ग्रुप्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मीडिया आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। अगर कुछ ऊंच नीच हो चुकी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब से, इसलिए मैं सहारा ग्रुप के चेयरमैन, मैनेजमेंट, MD को ये दे रही हूँ। अब आप बात कीजिए। थैंक यू तस्कीन।